वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स लर्निंग। टुडे आई विल डिस्कस इंडिफरेंस कर्व अंडर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स एंड परफेक्ट कम्प्लीमेंट्स। टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स टू ईच अदर इफ कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर द अदर एट अ कॉन्स्टेंट रेट। हेयर सब्स्टिट्यूशन बिटवीन वाई एंड एक्स इज एट द रेशियो ऑफ 1:1। सब्स्टिट्यूशन जो गुड्स होती हैं वो ऐसी अशिया होती हैं जिस पर जो कंज्यूमर होता है एक की जगह दूसरी खरीद कर सेम यूटिलिटी उस पर सेम सेटिस्फेक्शन उसे हासिल कर सकता है। मिसाल के तौर पर उसने पेंसिल लेनी है लिखने के लिए, तो उसमें कलर चॉइस कर लेता है। 10 पेंसिल लेनी है तो उसमें 5 रेड ले लेता है एंड 5 ब्लू ले लेता है, या फिर 0 ब्लू ले लेता है, 10 जो है बड़े रेड ले लेता है। इस तरह से वो अपनी जो सेटिस्फेक्शन है चॉइस कर लेता है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स दैट कैन सेटिस्फाई द सेम नेसेसिटी इन एग्जैक्टली द सेम वे। अ सब्स्टिट्यूट गुड कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अनदर। जब वे कंज्यूमर जो दूसरी चीज है के बदले दूसरी चीज को यूज कर रहा होता है तो उसको जो सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है वो सेम मिल रही होती है। उसने जो लिखनी है पेंसिल लेनी है तो भले वो रेड से लिखे या ब्लू से लिखे उसे सेम काम कर रहा होता है, उससे सेटिस्फेक्शन जो है सेम मिल रही होती है, वो एक की जगह दूसरी को यूज कर रहा होता है। इफ द कंज्यूमर कैन चूज बिटवीन बाइंग वन सब्स्टिट्यूट गुड आर एनदर शी विल बाई द चीपर वन। फॉर एग्जाम्पल इफ द कंज्यूमर हैज टू मेक अ चॉइस बिटवीन रेड पेंसिल एंड ब्लू पेंसिल एंड द कंज्यूमर इज जस्ट परचेज द पेंसिल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर। इन दिस सिचुएशन वीदर द कंज्यूमर सिलेक्ट द पेयर 5 and 5 रेड ले लेता है एंड 5 ब्लू ले लेता है। दूसरे पेयर में वो क्या करता है, जो 10 है पड़े वो सारी ब्लू ले लेता है एंड जो तीसरा पेयर अगर वो चूज करता है तो वो सारी रेड ले लेता है और जो ब्लू है वो 0 रख लेता है। इस तरह से वो चॉइस करके जो उससे सेटिस्फेक्शन हासिल करता है। इन सच सिचुएशन द इंडिफरेंस कर्व अटेंड विल बी स्ट्रेट लाइन हैविंग द स्लोप ऑफ -1। इट मीन्स द कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ऑल दोज बंडल्स हैविंग मोर पेंसिल विल गिव मोर सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर एज कम्पेयर्ड विद द बंडल हैविंग लेस पेंसिल। इन सच सिचुएशन द इंक्रीज इन सेटिस्फेक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड बाई राइट आउटवर्ड शिफ्टिंग ऑफ आईसी। इस ग्राफ में हमारे पास लेट कर लेते हैं टू कमोडिटीज हैं, फर्स्ट है एक्स एंड सेकेंड है वाई कमोडिटी। इसमें पेयर बने हुए ए ए बी बी एंड थर्ड है वन सी सी। इसमें चॉइस कंज्यूमर कर लेता है, कुछ पेयर्स खरीद लेता है वाई कमोडिटी के एंड कुछ खरीद लेता है एक्स कमोडिटी। इस तरह वो सेम सेटिस्फेक्शन इन कमोडिटी से हासिल कर रहा होता है। सेकेंड पेयर में कुछ पेयर बी खरीदता है वाई कमोडिटी के एंड एक्स जो कमोडिटी है उसके थोड़े खरीद लेते हैं। इस तरह से वो सेटिस्फेक्शन हासिल कर रहा होता है। अब बात करते हैं परफेक्ट कम्प्लीमेंट की। द कम्प्लीमेंट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डिमांडेड ज्वाइंटली इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन। परफेक्ट कम्प्लीमेंट गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जो ज्वाइंटली हम डिमांड कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर एक चीज खरीदी है उसके साथ हमें दूसरी भी खरीदनी पड़ती है। अगर हमने एक शूज खरीदता है तो दूसरे पाँव का शूज है ना वो भी खरीदना पड़ता है। हमें पेन खरीदा तो उसके लिए हमें इंक भी खरीदना पड़ती है। क्या है, कम्प्लीमेंट है। दीज गुड्स कम्प्लीट टू ईच अदर एज योर राइट शू हैज टू बी वर्न अलॉन्ग विद द लेफ्ट शो एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ राइट शो विद द लेफ्ट शो। इन केस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड आईसी इज एल शेप्ड एंड द वर्टेक्स ऑफ एल अकर्स वेयर द नंबर ऑफ राइट शोज एंड लेफ्ट शोज वर इक्वल दे आर शोन इन फिगर। इफ वी लाइक एनी पेयर 10 राइट शो एंड 10 लेफ्ट शोज एड वन मोर राइट शो इन द अदर बंडल एज
11 जो आएंगे राइट शूज में एंड 10 आएंगे लेफ्ट शूज में. बट डेफिनेशन ऑफ द कंज्यूमर विल रिमेन इनडिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट बंडल एंड द सेकंड बंडल बिकॉज द एडिशन ऑफ वन मोर राइट शू विल नॉट लीड टू इंक्रीज हिज सेटिस्फेक्शन. जो फर्स्ट वाला पेयर था उसमें 10 अपने राइट शूज खरीदे थे और 10 क्या थे लेफ्ट शूज, उसका जो सेटिस्फेक्शन था वो सेम था इसलिए वो इक्वल थे तो वो सेटिस्फेक्शन दे रहे थे बेहतर. एंड जो सेकंड बंडल था हमारे पास उसमें जो राइट शूज थे कितने थे 11 थे और जो लेफ्ट शूज थे कितने हैं 10 हैं. जो राइट शू में एक इजाफा हुआ 1 का तो वो हमें सेटिस्फेक्शन में इंक्रीज नहीं कर रहा, उसका जो फायदा है यूटिलिटी है वो हमें नहीं मिल रही. सेम लाइक सिचुएशन में लेकर इफ वी इंक्रीज वन मोर यूनिट ऑफ लेफ्ट शू, इफ द कंज्यूमर इंक्रीज बोथ राइट एंड लेफ्ट शूज एट द सेम टाइम देन ही विल बी एबल टू अटेन द प्रेफर्ड सिचुएशन एज द राइट वर्ड शिफ्ट एल शेप्ड आई सी IC1, IC2 and IC3 show. Here the consumer uses both goods in the same proportion. But it is not necessary that this ratio is 1 by 1.